द टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर 4 मिलीमीटर अपार्ट. अ स्लैब ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 3 एंड थिकनेस 3 मिलीमीटर इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स विद द फेसेस पैरेलल टू देम. द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज सो एडजस्टेड दैट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर बिकम्स 2/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू. व्हाट इज द न्यू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. तो बच्चों यहां पे कहा जा रहा है कि एक कैपेसिटर है, ठीक है, जिसकी प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है ये 4 मिलीमीटर है. ये डी दे दिया आपको, 4 मिलीमीटर, ये डी वन डिस्टेंस मान लीजिए, मान लो, ठीक है. तो डी वन यहां पे लिख देते हैं, डी वन है कितना, 4 मिलीमीटर, ठीक है. और सपोज कर लेते हैं प्लेट्स का एरिया ए है, तो सीधी सी बात है जब प्लेट्स का एरिया ए है तो इसकी कैपेसिटी पहले क्या रही होगी, इनिशियल कैपेसिटी. यहां लिख देंगे, यहां लिख देंगे इनिशियल कैपेसिटी. ये कितनी है भाई, तो सी बराबर क्या आ जाएगा, सोचो, एप्साइलन 0 ए अपान डी वन, ठीक है. इसके बाद कहा जा रहा है कि इस प्लेट के बीच में 3 मिलीमीटर थिकनेस की 3 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एक प्लेट रख दी गई. यहां पे एक स्लैब पुट कर दी गई इनके बीच में, कुछ इस तरीके से ये स्लैब पुट कर दिया, ठीक है. और स्लैब की थिकनेस कितनी है, ये स्लैब की थिकनेस है 3 मिलीमीटर. इसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हमको गिवन है के, के की वैल्यू हमको गिवन है 3. यानी कि फाइनल सिचुएशन में फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है, फाइनल सिचुएशन में के इज इक्वल टू 3 हो गया. ये जो थिकनेस है प्लेट की वो कितनी है, 3 मिलीमीटर हो गई, ठीक है. अब समझो, कह रहे हैं इसकी प्लेट को एक को शिफ्ट कर दिया गया, मतलब ये डिस्टेंस बढ़ा दी गई और ऐसे बढ़ाई गई, ठीक है, कि इसकी जो टोटल कैपेसिटी है, अब इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटी फाइनल वाली निकलेगी वो इनिशियल कैपेसिटी की 2/3 हो गई, ठीक है. तो पहले हम क्या सोचेंगे कि फाइनल कैपेसिटी है कितनी, तब हम आगे कंडीशन लगाएंगे. तो फाइनल कैपेसिटी कितनी होगी सोचिए, और ये डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है कि प्लेट कितना दूर हो गई है बाद में, मतलब फाइनल प्लेटों के बीच सेपरेशन क्या है. तो जब फाइनली हम कैपेसिटी फाइंड करेंगे तो सी डैश की वैल्यू क्या आएगी भाई, ये आएगी एप्साइलन 0 ए अपान डी. तो डी की जगह आप कितना हो गया, देखिए डी टू माइनस टी, टी की वैल्यू भी पुट कर देंगे माइनस टी, प्लस टी अपान के, और के की वैल्यू कितनी है 3. इसका मतलब ये फार्मूला हमने लगा दिया, तो एप्साइलन 0 ए अपान डी टू माइनस 3 प्लस टी अपान के, के की जगह वैल्यू पुट कर दिया, कितनी के की वैल्यू है 3. अब क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा कि जो फाइनल कैपेसिटी है वो इनिशियल कैपेसिटी की 2/3 टाइम्स हो जाए, तो सी डैश बराबर हो जाए 2/3 सी. इसको हम कैसे कर सकते हैं भाई, सी डैश एप्साइलन 0 ए अपान डी टू माइनस टी प्लस टी अपान 3 इज इक्वल टू, लिख दीजिए 2/3. अब देखिए एप्साइलम 0 ए से एप्साइलम 0 ए इधर उधर का क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा. अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 3d1 इधर आ जाएगा, तो यानी कि ये इक्वेशन हमारे पास बचेगी 3d1 इज इक्वल टू 2d2 माइनस 2t प्लस 2t/3. अब हम ऐसा करेंगे d1 और t की वैल्यू पुट कर देंगे. अब हम ऐसा करेंगे d1 और t की वैल्यू पुट कर देंगे और d2 को फाइंड कर लेंगे, तो क्या बचेगा, देखिए
3d1 की वैल्यू 4, देखिए d1 क्या दिया है 4 मिलीमीटर, 2d2 वही तो फाइंड करना, d2 कोई बात नहीं, -2t की वैल्यू देखिए कितना है 3 मिलीमीटर। देखिए सब कुछ मिलीमीटर में लिख रहे हैं तो d2 भी हमारा मिलीमीटर में ही आएगा, प्लस 2 इंटू टी की वैल्यू 3/3। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे बच्चों, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आएगा 6, यहाँ से आएगा प्लस का 2, तो सब्ट्रैक्ट होकर क्या बचेगा माइनस का 4, ये माइनस का 4 इधर ले जाएंगे तो प्लस 4 हो जाएगा। इसका मतलब इस साइड देखिए 4 3 12 पहले आया और इधर वाला 4 आ गया, उधर आया 2d2। दिस इंडिकेट d2 इज इक्वल टू 16/2, मीन्स d2 इज इक्वल टू 8 मिलीमीटर। सो द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स बिकम्स 8 मिलीमीटर। दिस इज द फाइनल आंसर।